Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat StockEdge YouTube channel. How is the Josh guys? कैसा रहा आज का दिन मार्केट में? तो गाइस बात करने वाले अदानी ग्रीन के बारे में. यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट अदानी ग्रीन. नेक्स्ट आपको क्या प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, स्विंग ट्रेड में, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा. एंड कल कैसे परफॉर्म कर सकता है इंट्राडे में. ऑल्सो 5 इंट्राडे स्टॉक्स आई एम गोइंग टू सजेस्ट जो कल आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो. यहाँ पे बेहतरीन लेवल्स आपके लिए मैं यहाँ पे मैंने पिकअप किया है. तो वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कीजिए, स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड देखिए प्रीमियम प्लस ग्रुप में बिल्कुल भी अभी चंद सीटें बची हुई है. जिसको भी ज्वाइन करना है फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ग्रुप जल्दी से संपर्क कीजिए 9804757611. एक ही नंबर है फिनोस्टैट का. व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप संपर्क कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. एंड आज भी देखिए फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ग्रुप में आज हम लोगों ने मॉर्निंग में रुचि सोया को बाय किया. यहाँ पे लगभग सेकंड टारगेट तक अचीव हुआ. उसके बाद इन्फोसिस में यहाँ पे सेल साइड में टारगेट अचीव हुआ. जेएसडब्ल्यू स्टील में हम लोगों ने टारगेट अचीव किया. एंड ऑल्सो निफ्टी मॉर्निंग को बाय किया था 929 में निफ्टी का 17,700 पुट. वहां पे अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट अचीव किए. उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी का जैकपॉट कॉल था जिसमें हम लोग 38,000 का जो कॉल था उसको बाय किए थे बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बन रहा था बैंक निफ्टी का. तो 200 के लगभग हम लोग अराउंड 200 के करीब हम लोगों ने बाय किया. एंड 230 देन 260 देन 317 ये तीन टारगेट्स के लिए हम लोगों ने बाय किया. एंड 317 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया. तो ऐसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स तो यहाँ पे आपको सारे कॉल्स मिल जाते हैं. जैकपॉट कॉल्स रेगुलरली हम लोग प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं. एंड जो भी ट्रेडर्स है उनका एकदम 1:1 गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो ना कि सिर्फ लेवल्स, हम लोग प्रॉपर टाइम पे एंट्री भी कराते हैं, प्रॉपर टाइम पे प्रॉफिट्स भी हम लोग बुक कराते हैं. तो आपको अगर सीरियसली शेयर मार्केट से रेगुलरली ऐसे ही पैसा कमाना है फ्रॉम आवर फ्री टेलीग्राम चैनल और ऑल्सो प्रीमियम प्लस ग्रुप, पहले तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए बिकॉज ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल. वहां पे मैं क्लियरली बिफोर द मार्केट ओपन आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ अबाउट द स्टॉक्स यू नीड टू बाय ड्यूरिंग द डे. तो इंट्राडे का जितना भी स्टॉक्स रहता है प्रॉपर लेवल्स के साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो गाइस लेवल्स देखने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उनको ट्रेडिंग करने में आसानी होती है. तो ये था गाइस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का अपडेट. एंड जो पेड चैनल है उसके लिए बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है, सिर्फ 6 स्लॉट. मॉर्निंग को ही देखिए स्लॉट्स कैसे फिल हो गए. यहाँ पे ऐसे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे इनबॉक्स पे, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा पेड ग्रुप में. दिस इज द पेड ग्रुप. तो 175 एक्टिव पेड मेंबर्स यहाँ पे है. ओवरऑल हम लोगों का 250 प्लस क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है. तो आपको अगर सीरियसली मार्केट से अर्निंग करना है ऐसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड इक्विटी, इंट्राडे, आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हो आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर लेवल्स की जरूरत है. ऑल्सो हम लोग एकदम भागने वाला घोरा को ही आपको सजेस्ट करते हैं एवरी डे. जो भी जहां से भी मुनाफा आए इक्विटी से, ऑप्शन से, आपको वही सजेस्ट किया जाता है जहां से एक्यूरेसी ज्यादा हो कॉल्स का. तो वैसे तो हम लोग 97% एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं पर कुछ दिनों से ऑप्शंस में हम लोगों ने लगभग 99% का एक्यूरेसी अचीव किया है. तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट. एंड इसलिए इसके कारण आप देख सकते हो कि जो हम लोग के क्लाइंट्स है रेगुलरली रिटेंशन रेट हम लोगों का बढ़ रहा है एंड क्लाइंट्स भी जुड़ रहे हैं. तो आपको भी अगर जुड़ना है जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए. एंड चंद सीटें बची हुई है, वहां से कांटेक्ट करके आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट कंफर्म कीजिए. उसके बाद आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ग्रुप में. तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते. देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी ये कोई एक छोटी कंपनी नहीं है. देखिए महंगा है बहुत, आपको पी रेशियो इसका डाइजेस्ट नहीं होगा पर कंपनी बहुत अच्छे कामकाज में यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का कामकाज इतना अच्छा है एंड ग्लोबल प्रेजेंस है. एंड अगर इंडिया को डेवलप होना है तो अदानी ग्रीन को तो चलना ही पड़ेगा. यहाँ पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करती है. सेक्टर इसका पावर है आपको पता होगा. एंड मार्केट कैप आप देख लीजिए, कंपनी के ऊपर भरोसा आपको पता चलेगा कि कितना इन्वेस्टर्स का एंड शेयर होल्डर का कितना भरोसा है कंपनी के अंदर. तो यहाँ पे 4,22,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है सिर्फ कंपनी का. एंटरप्राइज वैल्यू है करीब 4,00,000 करोड़ का. तो यहाँ पे पी रेशियो आप देख सकते हो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, करीब 900 के करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो कि बहुत ज्यादा हाई है. एंड उसके कंपेरिजन में
ईपीएस देखोगे आप सिर्फ 3 का है अर्निंग पर शेयर। तो ये जो कंपैरिजन थोड़ा आप अगर छोड़ दो, सिर्फ चार्ट्स में अगर आप फोकस करो तो अभी भी एक यहाँ पे रैली बाकी है, तो वही रैली में हम लोग प्ले करेंगे यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए मैंने ऑलरेडी जो मेरे चैनल को बहुत दिनों से फॉलो करते हैं आपको पता होगा 5-6 महीने पहले मैंने आपको अदानी ग्रीन दिलाया था 1800-1900 के लेवल्स पे, तो मेरा 2700 का ही टारगेट था जो आज अचीव हो गया है। इसके बाद भी यहाँ पे चार्ट्स पे मेरे को क्लियरली विजिबल है नेक्स्ट रैली भी आ सकती है जो 3300 तक भी स्टॉक को लेके जा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है 2450 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखिए, वहां से आपको एक रिवर्सल की संकेत दिखेगी। तो 2450 टूटना नहीं चाहिए ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड देयर इज अ ब्लू स्काईज जोन, यहाँ पे आपको मिनिमम स्टॉक मिनिमम 3300 के लेवल्स तक जाते हुए मेरे को दिखता है 3-6 महीने के अंदर। तो ये यहाँ पे आप स्विंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए जो टारगेट रहेगा दैट इज 2900 के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो अदानी ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे 2700-2600 के लेवल्स पे, एंड वहां से आपको 2900 का टारगेट स्विंग ट्रेड में आपको मिनिमम 20-30 दिन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे 3-6 महीने का भी आपको मैंने टारगेट बता दिया। यहाँ पे जो ये देखिए दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द स्टॉक, यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे पूरा फंसा हुआ था, स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। तो ये जो रेंज से बाहर निकला है स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट आई करीब 4 अप्रैल को, यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 से सीधा स्टॉक भाग गया 2800 पे। तो ये होता है गाइज रेंज से कोई भी स्टॉक अगर निकलता है, ये जो हार्मोनिक पैटर्न स्टॉक बना रहा था उसका जो ब्रेकआउट आया तो उसका ब्रेकआउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां से मिनिमम 1000-1500 पॉइंट का तो मूव यहाँ से आना चाहिए। तो उसको हम लोग देख के 3300 का टारगेट यहाँ पे सुझा रहे हैं आपको, 3-6 महीने के अंदर ये टारगेट आपको दिख सकते हैं। चार्ट में आपको मैंने फंडामेंटल भी बता दिया, फंडामेंटल में मैंने आपको बताया क्यों ये पी रेशियो आपको हजम नहीं होगा, बिकॉज ईपीएस एंड पी रेशियो साथ साथ चलते हैं, यहाँ पे पी रेशियो कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होने वाले लेवल्स हैं एंड ईपीएस बिल्कुल फ्लैट है, एंड कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखिए बहुत इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा बुलिश है, करीब 70-80 रुपीज में ट्रेड करता था स्टॉक इन 2020, तो 2 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी हुआ स्टॉक, एक रेंज में भी फंसा रहा लेकिन उसका भी ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, एंड वॉल्यूम्स देखिए दिन बे दिन वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, ये डेली चार्ट है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स एंड नेक्स्ट टारगेट आपको मिनिमम 3300 का तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा 3-6 महीने के अंदर। तो गाइस कल का जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा जो आपको इंट्राडे में प्ले करना है वो है अंबुजा। तो गाइस अंबुजा लीजिए कल इंट्राडे में 362 में लीजिए अंबुजा, 358 का स्टॉप लॉस, 365, 368 एंड 370, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको कल बाय करना है अंबुजा। आज भी इंट्राडे में बहुत अच्छा खासा 6% ऊपर रहा एंड कल भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे सकती है अंबुजा। तो इंट्राडे में अंबुजा को अपने वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड कीजिएगा। सेकेंड स्टॉक इज सन टीवी। सन टीवी बोलने से पहले मैं आपको देखिए स्टॉकेज के बारे में बताना चाहूंगा, ये जो आपको मैंने अभी एनालिसिस शेयर किया ये पूरा मैंने आपको स्टॉकेज से शेयर किया, तो जिसको भी स्टॉकेज के बारे में मालूम नहीं आप क्लिक कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट्स में भी मैंने अपने लिंक में डाल के रखा है, वहां पे स्टॉकेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप स्टॉकेज में क्लिक कीजिए। आफ्टर वेरीफाइंग योर मेल आईडी आपको एक कोड पूछेगा स्टॉकेज की प्रीमियम प्लान में, एक कोड आपके पास है कि नहीं तो वहां पे डालिए फिनोस 100 डालने से आपको मंथली प्लान बिल्कुल फ्री मिलेगा मेरे तरफ से। सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है मार्केट को, जो लोग सट्टा बाजार नहीं सोचते हैं, यहाँ पे सीरियस बिजनेस के तौर पे आप मार्केट को यहाँ पे देखते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिसको सीखने की चाहत है, यहाँ पे आपको चेष्टा करनी चाहिए सीखने का, फिर तो इनकम का तो भाई साहब बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन आप जब सीख जाओगे ये चीज तब आपको कमाने में और भी आसानी होगी। अभी जो आप कर रहे हो मार्केट में वो सट्टा कर रहे हो, तो ये मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, ये पूरा एक सीखने का जगह है, आपको प्रॉपर लर्निंग के बाद ही तभी अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड मार्केट भी उन लोगों को पनिश कर लेती है जो लोग ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा के जॉब से लेके आते हैं या तो बिजनेस से लेके आते हैं मार्केट में लगाते हैं, सोचते हैं ये मनी मेकिंग मशीन है और पूरा कैपिटल आपका एक ही दिन में एक ही हफ्ते में वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसा कृपया मत कीजिए, कैपिटल को सेव करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश कीजिए जो हम लोग अपने इन्वेस्टर के साथ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया 10-25 इन्वेस्टर के साथ, नाउ वी आर हैंडलिंग 250 प्लस पेड इन्वेस्टर्स।
तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपका स्विंग ट्रेड करना है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, उसमें भी हम लोग आपको हेल्प करते हैं। एंड रेगुलरली हम लोग तो रेगुलरली इनकम कर ही रहे ऑन ऑप्शंस एंड इक्विटी इंट्राडे। तो गाइस नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क कीजिएगा, जिसको भी सीरियसली मार्केट को समझना है देन कामकाज करना है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड स्टॉकेज तो जरूर डाउनलोड कीजिए, स्टॉकेज से आपको 360 डिग्री स्क्रीनिंग स्कैनिंग एनालिसिस सब कुछ आपको मिल जाता है, एज रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, प्राइस मिल जाएगा, डिलीवरीज मिल जाएगा, अपडेट्स क्या है स्टॉक के बारे में, न्यूज क्या है, एज रिपोर्ट आपको यहाँ पे बहुत खास किस्म का रिपोर्ट होता है जिसमें स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, टेक्निकल्स रहता है, कितने साल में कितना रिटर्न दिया स्टॉक ने, तो पूरा आपको अंडर द वन रूफ स्टॉक के बारे में आपको पूरा 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस स्टॉकेज को डाउनलोड कीजिए, जो न्यू यूजर है उसको ऑफर भी है, फिनोस 100 यूज करने से आपको मंथली प्रीमियम प्लान बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो ये मेरे तरफ से गिफ्ट है, आपको कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सन टीवी के बारे में बात कर रहे थे, 530 में आपको लेना है। एंड जो भी लेवल्स मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ आपको बिफोर द मार्केट ओपन्स, कल जब भी मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलने से पहले आपको बिल्कुल 9 बजे को यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाते हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक में क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को, यहाँ से आपको बिफोर द मार्केट ओपन्स यू विल गेट एवरी डिटेल स्क्रीनशॉट यहाँ पे, जहाँ पे लेवल्स लिखे रहेंगे, कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, उसके लेवल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब कुछ डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको इंट्राडे में करने में कोई दिक्कत ना हो, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। यहाँ पे सन टीवी में देखिए 530 में बाइंग करना है, 526 का लगाइए स्टॉप लॉस, 533, 535 एंड 538 ये तीन टारगेट्स के लिए कल सन टीवी को आपको करना है बाय। थर्ड पिक विल बी दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे देखिए दीपक नाइट्रेट में कुछ एक सेलिंग पैटर्न बन रही है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर जो स्टॉक से थोड़ा बहुत पिटते हुए दिखे, तो कल अगर 2280 के नीचे स्टॉक आए तभी आपको सेल करना है, 2300 का लगाइए स्टॉप लॉस, तो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ 2280 में कीजिए सेल दीपक नाइट्राइट को, 2272, 2265 एंड 2245 ये तीन टारगेट्स के लिए कल आपको सेल करना है दीपक नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ पिक विल बी इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक भी आपको करना है सेल यहाँ पे, लेकिन कंडीशनल सेल कॉल रहेगी 975 के नीचे, अगर वॉल्यूम के साथ गिरावट आपको दिखे स्टॉक में तभी आप सेलिंग कीजिए। देखिए पैटर्न समझिए, ट्रेड सेटअप को समझिए, फिर आप मार्केट में कामकाज कीजिए, ये नहीं कि मैंने सेल करने बोला तो मॉर्निंग को आप उठ के 9:15 बजते ही आपने स्टॉक को सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है, लेवल्स देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है, ट्रेड सेटअप को देखना पड़ता है, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, इंडसइंड बैंक का चार स्ट्रक्चर आपको क्या बोल रहा है, ये सब कुछ चेक करके आपको काम करना होता है। तो कल जब 975 के नीचे वॉल्यूम ज्यादा हो ऑन द सेलर साइड एंड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे 975 पे, तो 975 के नीचे बेचिए इंडसइंड बैंक को, 984 का स्टॉप लॉस, 971, 966, 960 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है इंडसइंड बैंक। फिफ्थ पिक विल बी TCS, देखिए TCS विल पोस्ट आउटस्टैंडिंग नंबर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विप्रो अपने मंथली लोस पे यहाँ पे गिर गया है, इन्फोसिस गिरा हुआ है, लेकिन TCS ने होल्ड किया है, तो यहाँ पे TCS आपको बिल्कुल बाय करना है। इनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं TCS का कल आपको डिटेल्ड क्वार्टर फोर रिजल्ट्स मैं आपको कल समझाने वाला हूँ वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे कल आपको अपडेट मिल जाएगा, और ऑल्सो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको अपडेट मिल जाए। तो 3700 3700 के लेवल्स पे आपको कल बाय करना है TCS, 3675 का लगाइए स्टॉप लॉस, 3715, 3734, 3760 ये तीन टारगेट्स के लिए आपको कल बाय करना है TCS। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे होल्ड किया है, आईटी स्टॉक में बहुत रेयर ऐसा होता है कि पूरा आईटी इंडेक्स अपने मंथली लोस पे है, लेकिन TCS जैसा स्टॉक दिग्गज आईटी काउंटर यहाँ पे अपने गेंस को होल्ड किया है, तो बहुत ही अच्छी है ये, तो इसका यही अनुमान है कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है दे आर गोइंग टू बी द आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर, तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स का अपडेट मैं आपको कल कर दूंगा, फिलहाल कर इंट्राडे में आप बाय कीजिएगा TCS को, बहुत ही अच्छा आपको गेन्स मिलेगा, स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको 25 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है। अदानी ग्रीन कल इंट्राडे में कैसे परफॉर्म कर सकता है, देखिए इंट्राडे में आपको जो लेवल्स का नोटिस करना है,
दैट इज 2740 के ऊपर अगर अदानी ग्रीन कल निकल जाएगा तो कल ही आपको 2850 के टारगेट्स दिखेंगे। तो 2740 के लेवल्स को नोटिस कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 2850 एंड डाउनसाइड में सिर्फ आपका रिस्क रहेगा 2710। तो यहाँ पे 30 रुपए का रिस्क रहेगा आपको, ऊपर आपको मिलेगा 110 रुपए का रिवर्ड। एंड ऑन द डाउनसाइड अगर स्टॉक गिर जाता है तो आपको जो लेवल्स नोटिस करना है दैट इज 2600 के नीचे अगर अदानी ग्रीन कल इंट्राडे में आ जाएगा तो कल ही आपको सेल कर देना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2640 एंड नीचे के टारगेट्स आपको 2500 के लेवल्स तक भी दिख सकते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको बाइंग सेलिंग दोनों बता दिया बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है इतना, तो यहां से आपको सेलिंग एंड बाइंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो गाइस पांच इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी निफ्टी में देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहिए बिकॉज यहाँ पे कल गैप डाउन खुल सकता है, पैटर्न बहुत वीक है निफ्टी का। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अपना गेन्स गिव अप करके नीचे ही बंद हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कॉशियस रहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। इंडेक्स अभी सुस्त रहेंगे, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है एंड कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल्स पे मत कीजिए, एटलीस्ट करेक्शन का एक वेट कीजिए तभी आप एंट्री लीजिए कोई भी अच्छे स्टॉक्स में। तो गाइस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।